दोस्तों, अगर आप भी अपना सेविंग अकाउंट घर बैठे ओपन करना चाहते हैं, वो भी जीरो बैलेंस के साथ, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के बारे में, जिसके ऊपर आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक मात्र एक ऐसा बैंक है जिस बैंक में आप अपना ऑनलाइन घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंड इस अकाउंट की फुल केवाईसी करवाने के लिए भी आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन ही वीडियो केवाईसी के द्वारा आपकी फुल केवाईसी भी कर दी जाती है। एंड जब आपका यहां पर अकाउंट ओपन हो जाता है, तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको आपका अकाउंट नंबर विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपको मिल जाता है, एंड आपको आपका वर्चुअल एटीएम कार्ड भी हैंड टू हैंड अकाउंट ओपन होने के बाद इशू कर दिया जाता है, जिससे आप अपनी यूपीआई एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आपका यहां पर एटीएम कार्ड, चेकबुक एंड पासबुक अकाउंट ओपन होने के लगभग 5 से 6 दिन के अंदर आपके रजिस्टर एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाती है। एंड जब आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में ओपन हो जाता है, तो वहां पर आपको हैंड टू हैंड क्रेडिट कार्ड भी जारी कर दिया जाता है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाला हूं कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस का अकाउंट घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हैं। सो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंकिंग को बहुत ही ज्यादा इजी बनाता हूँ। तो चलिए आज की जबरदस्त वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी। सिंपली आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा, ओपन ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट इन 5 मिनट्स, नो मेंटेनेंस फीस, अप टू 4% इंटरेस्ट पर एनम, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, गेट ए वर्चुअल डेबिट कार्ड इंस्टेंटली। यानी कि इस अकाउंट में आपको ये सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है, एंड उसके जस्ट नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, एंड उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। उसके बाद आपके सामने यहां पर दो टर्म्स एंड कंडीशन निकल के आ जाती है। सिंपली आपको इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेना है, एंड उसके बाद आपको ओपन नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप ओपन नाउ पर क्लिक करते हैं, आप यहां पर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आता है। यहां पर आपने अपना जो मोबाइल नंबर एंटर किया था, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दी जाती है। अगर बाय चांस आपके नंबर पर ओटीपी नहीं आती है, तो आप यहां पर रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहां पर ओटीपी आ चुकी है। ओटीपी एंटर करके हमें सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, हम यहां पर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहां पर हमें यस करके अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होगा, तो हम यहां पर यस पर क्लिक कर देते हैं। एंड उसके बाद यहां पर हमें नेक्स्ट पेज पर अपने पैन कार्ड का नंबर एंड अपने आधार कार्ड का नंबर बिल्कुल सही सही एंटर कर देना है। यानी कि जो आपके आधार कार्ड में एंड पैन कार्ड में है, वही आपको बिल्कुल एंटर करना है। एंड नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर अपना नंबर फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें टर्म्स एंड कंडीशन को कंटिन्यू पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, हमारे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक होता है, उस पर एक ओटीपी सेंड कर दी जाती है। एंड अगर ओटीपी हमारे पास नहीं आती है, तो हम यहाँ पर रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी दोबारा भी मंगवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास ओटीपी आ चुकी है, ओटीपी फिल करके हमें सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर अपनी ओटीपी फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे आधार कार्ड में जो हमारा एड्रेस होता है, वो हमें यहाँ पर शो हो जाता है। एड्रेस वेरीफाई करने के बाद हमें सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। आपका जेंडर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एंड आप यहाँ पर सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं, एंड आपका यहाँ पर एक्यूपेशन क्या है। एक्यूपेशन को अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ, तो
आप यहां पर करंटली जो काम भी करते हैं उसे आप यहां पर एक्यूपेशन बोलते हैं। आप यहां पर सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं, होम मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, आप यहां पर जो भी हैं वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट अपनी इनकम लेस देन 2 लाख रुपीज कर सकते हैं, एंड अगर आप इससे अदर किसी अदर प्रोफेशन में हैं तो आप यहां पर अपनी जेन्युइन इनकम सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने यहां पर स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, उसके बाद यहां पर हमें अपने फादर साहब का नाम एंड उसके नीचे अपनी मदर का नाम एंटर कर देना है, एंड उसके बाद हमें सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नॉमिनी को ऐड करने के लिए यहां पर आ जाएगा। अगर हम यहां पर नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड अपने नॉमिनी की डिटेल एंटर कर देनी है। लेकिन हमें यहां पर नॉमिनी अभी बाद में हम ऐड करेंगे तो हम यहां पर आई डू इट लेटर पे टिक मार्क कर देते हैं, एंड उसके बाद हमें सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम यहां पर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद हमने जो इन्फॉर्मेशन यहां पर फिल करी थी वो सारी हमें यहां पर शो हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद हमें सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद हमारे सामने जो टर्म्स एंड कंडीशन निकल के आती हैं वो सारी हमें यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेनी है, एंड एक्सेप्ट करने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप अपने अकाउंट की फुल KYC करने के लिए ब्रांच जाना चाहते हैं या फिर ब्रांच के किसी एम्प्लॉय को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपने घर पर बैंक के एम्प्लॉय को बुलाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेकंड नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा एड्रेस शो हो जाएगा, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर अपनी मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए अपना MPIN एंटर कर देना है। MPIN एंटर करने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर प्रीपेड कार्ड चाहिए तो हमें यहाँ पर टिक मार्क कर देना है, एंड उसके बाद हमें सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है तो हमें यहाँ पर हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में हमारा जीरो बैलेंस का अकाउंट सक्सेसफुल्ली ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें हमारा अकाउंट नंबर, CRN नंबर, IFSC कोड एंड हमें यहाँ पर हमारी UPI यानी कि हमें यहाँ पर हमारी UPI हैंडल भी मिल चुका है। एंड आप इन सारी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग में भी लॉगिन कर सकते हैं, एंड उसके नीचे हमें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए भी टैब मिल जाती है। आप यहाँ पर अगर अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट तौर पर आपका अप्रूव कर दिया जाता है। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका अकाउंट ट्रूली जीरो बैलेंस पर यहाँ पर ओपन हुआ है। अगर आप अपने अकाउंट में कुछ पैसे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां पर ऐड मनी पे क्लिक करके अपने अकाउंट में पैसे भी ऐड कर सकते हैं, एंड उसके जस्ट नीचे आपको आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी कि आपका ATM कार्ड शो हो जाता है। इस ATM कार्ड से आप यहां पर UPI वाली एप्लीकेशन जैसे गूगल पे, फोन पे, उन सभी पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपके ट्रांजेक्शन इंस्टेंट तौर पर स्टार्ट कर दिए जाते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस यहां पर सिखा दिया है कि आप यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक में बिना बैंक जाए घर बैठे मात्र 5 मिनट के अंदर अपना जीरो बैलेंस का अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस की वीडियो लाता रहता हूं। एंड इस वीडियो को आप सभी भाइयों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि जो भाई भी अपना अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस वाला खोलना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर बिना किसी दिक्कत के अपना अकाउंट ओपन कर सके। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।